तो गाइस जो बी बॉयज है ना वो उड़ने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बी बॉयज उड़ने वाला है। अब बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि आ गया फिर से दोबारा से वीडियो लेकर के जिसमें बी बॉयज का नाम ले रहा है। भाई लूंगा लूंगा यार, मैं बी बॉयज का नाम लूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसका इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करना। अब तो 1 मिलियन भी हो चुका है और वो असम के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक सेलिब्रिटी बन चुका है गाइस। तो बी बॉयज जो है वो उड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कहां पर उड़ने वाला है, क्या करने वाला है, क्या एरोप्लेन उड़ाने वाला है या फ्लाइट पर उड़ने वाला है। गाइस तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। मैं आपको वीडियो क्लिप के साथ दिखाऊंगा कि बी बॉयज कहां पर उड़ रहा है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यार मेरा जो काम है ना वो YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड बातें आपके साथ डिस्कस करना, शेयर करना है। और देखो बी बॉयज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स निकल रहे हैं अभी, स्पेशली क्योंकि उसका 1 मिलियन हुआ है तो इसका वजह से बी बॉयज के ऊपर वीडियोस कुछ दिनों से कंटिन्यू है। देखिए बहुत सारे वीडियोस और भी है जिसमें हम इंग्लिश मेकर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं ऑलरेडी जो है बहुत सारी बातें हैं भाई, इस इंग्लिश मेकर को जो है स्कैमर कहा जा रहा है, कुछ कुछ कहा जा रहा है, कुछ लोग इस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं गाइस। तो मैंने एक पोल जो है अपने कम्युनिटी में शेयर किया है, देखिए आप जाइए उस पोल पे हिस्सा लीजिए जिसमें मैंने कहा है कि कल का जो है, कल क्या एक लाइव सेशन किया जाए जिसमें हम इंग्लिश मेकर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बी बॉयज कहां पर क्या कर रहा है। बहुत ही मजा आ गया रे भाई, सच में यार बहुत मजा आया। इतना ऊपर थे हम, बाप रे इतना ऊपर थे, पूरा वो देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर फिर ऊपर से किसी तरह आराम से आप करते हैं। बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस, पूरा वो देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मारो बस, ये बोलो गाइज। अपना बी बॉयज जो है वो पैराग्लाइडिंग कर रहा है और पैराग्लाइडिंग के लिए वो कालिंपोंग नहीं गया है, वो पैराग्लाइडिंग कर रहा है असम के अंदर में। आप सोचोगे असम के अंदर में कहां में पैराग्लाइडिंग होता है, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं आपको बताऊं कि बीटीआर का रीजन जो है वहां पर कोकराझार जो जगह है, कोकराझार में पैराग्लाइडिंग किया जाता है गाइस। और कुछ दिनों पहले हमने इंग्लिश मेकर का भी वीडियो देखा था जिसमें वो पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आया था। तो जो कोकराझार पैराग्लाइडिंग है वो चाहते हैं कि कोकराझार का जो पैराग्लाइडिंग जहां से किया जाता है उस जगह को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, लोगों के नजरों में लाया जाए, क्योंकि लोग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। और बी बॉयज का अंदाज तो हमने उसमें देख ही लिया, जो इससे देखो एक व्लॉग शूट करते वक्त एक व्लॉगर को कितनी तकलीफ होती है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। बी बॉयज अपने कैमरे को लेकर के शूट कर रहा है, वीडियो को शूट कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है साइड में हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, और ये अक्सर हर किसी के साथ होता है, मैंने देखा है। जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो है वो एक अलग नजर से देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। तो बी बॉयज का एक नया ब्लॉग जिस आपके सामने आने वाला है 1 मिलियन होने के बाद गाइस, 1 मिलियन का उसको खुद को जला देने वाला एक वीडियो, तो वो अलग है, वो अभी तक आया नहीं है। और मैं तो फिर से यही कहूंगा कि अगर रिस्क है तो बी बॉयज नहीं चाहिए, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ही जल्दी बी बॉयज यूट्यूब चैनल पे नजर आने वाला है गाइस, जिसमें वो पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आएगा और अपने उसी अंदाज में। इस वीडियो में हम देख भी सकते हैं कि वो किस तरह से जो वहां पर जो लोग खड़े हैं ऑडियंस से उनको भी एक्टिव होने के लिए सजेशन दे रहा है कि उसके वीडियो में उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। मतलब बी बॉयज के वीडियो में अगर आप आओगे ना तो बहुत एक्टिव होकर के आना पड़ेगा, वरना भाई कोई फायदा नहीं। तो यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भाई जिसको प्रॉब्लम हो रहा है बी बॉयज के वीडियो मैंने बनाए हैं इसको मैं बोल दूं कि देखो भाई मेरा काम है यार यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज बनाना, और उसमें बी बॉयज तो भाई वो एक कमाल का बंदा है, वो आजकल जो है कॉन्टेंट बन चुका है, मतलब बी बॉयज खुद में कॉन्टेंट है, तो इसीलिए भाई बी बॉयज के ऊपर वीडियोज आ ही जाते हैं
हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं भाई। हम आफ्टर लाइव मूवी जो है, जो लेंजिंग डोमिंग ने शूट किया है भाई, उस वीडियो के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस मूवी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, साथ साथ इंग्लिश मेकर के ऊपर डिस्कशन तो है ही। गाइज अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर रिप्लाई मैं करता हूं, बहुत सारे लोग नहीं करते लेकिन मैं करता हूं। साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे व्लॉग्स देखने में तो भाई व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहां पर, मैंने आज ही व्लॉग अपलोड किया है। गाइस अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।